ये जो पूरा देश में बेटा माहौल चल रहा है, एक तरफ तो हम 21वीं सदी, आधुनिकता और हम इतनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, खुला समाज, ये सब है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जैसी घटना है, तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा के तौर पर समाज में इन सब घटनाओं को लेकर आप लोग क्या सोचती है? और आज खासकर रक्षाबंधन के दिन जब सब बहन को ये लगता है कि आज वो सबसे सुरक्षित दिन में है, तो मैं इसलिए ये ज़्यादा आपसे बात करना चाहता हूँ। जी, ये पहली है, ये मतलब घटना ऐसी नहीं कि यही है, और भी बहुत होते रहते हैं। ये ब्लो अप हो जाते हैं एक दो घटना और फिर कंट्री में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन दिन ब दिन हम बहुत तरह के ऐसे इंसिडेंट अपने खुद के लाइफ में झेलते रहते हैं, और कोई लड़की ऐसा नहीं है जिसने किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं झेला। तो हमारे लाइफ का हमें मतलब आदत हो गया कि कुछ होना ही है, तो हम अपने आप को वैसे सेफ रखें, मतलब हमारा वो आदत हो गया कि हम पेपर स्प्रे लेके चले, लेकिन गवर्नमेंट इसमें कुछ अपना एफर्ट नहीं डाल रही कि वो हमें सुरक्षित कैसे फील कराए। हम अपना सारा एफर्ट डाल रहे कि हम ही सारा कुछ करें। नहीं, ये एक एक बात भाई, हम निकले और हम अपनी सुरक्षा का ख्याल हम खुद करें, लेकिन समाज ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इतना आक्रामक या वो इतना निशंस, निर्दयी, दरिंदगी, उस सब कुछ तो आगे बढ़ रहा है, तो फिर इस तरह की घटनाएं विभत्सता वाली, और जिस मतलब मैं क्या उसको शब्द में कहूँ, और हैवानियत बढ़ती चली जा रही है। तो एक अब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, आपका एक करियर है आगे, आप सोचती हो कि ये किस दिशा में लोग जा रहे हैं? मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं बस अनसेफ फील करती हूँ, और जितने भी इंसिडेंट होते हैं उनके सुनके मैं घर से फिर बाहर निकलने के से पहले बहुत बार सोचती हूँ। ये पश्चिम बंगाल की घटना ने आप लोगों के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया ना? जी, मेरी जब ऐसा उनको मेरी माताजी को पता चला तो मुझे कॉल करके बोली कि आप बाहर मत निकलना, कहीं जाना मत, और आप इस जगह में नए हो, तो उनके मन में भी डर रहता और हमारे मन में भी इन सब चीज़ों को लेके बहुत बैठ जाते, चाहे हम कितने भी रिबेलियस क्यों ना हो, लेकिन ऐसे इंसिडेंट होते हैं फिर हम अपने आप को समेट लेते कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आप को मतलब अपने मतलब तक रखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि लगता है कि फिर वो हमारे साथ भी हो जाएगा। तो हाँ, देखिए, ये आधी आबादी है, और कहा यह जाता है कि जिस देश में, जिस परिवार में, जिस संस्थान में, जिस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता और उनके विकास की क्या स्थिति है, उसी हिसाब से उस समाज का, उस देश का, उस परिवार का, उस व्यक्ति के विकसित होने का पैमाना माना जाता है। लेकिन हम आज़ादी के इतने सालों के बाद, 75 सालों 77 सालों के बाद अभी जो घटनाएं घटी हैं, मैं पश्चिम बंगाल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पूरे देश में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन अलग की बात है, लेकिन ये ऐसी हीनियस क्राइम ये हुआ है, और उसके बाद वहां की पुलिस और वहां की सरकार की जो क्रियाकलाप है वो संदेह के घेरे में है, और विपक्ष लगातार आक्रामक भी है।